I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Vivan, what's your relationship status? Manka Radio. Manka Radio. Manka Radio. Manka Radio. Bajne de zara gam ko bhul kar jee le tu zara. Hi, main hoon aapka sirf aapka aur sirf sirf aapka Vivan Shah, and welcome to my show Dr. Love. Aaj main aap logo ko ek kahani sunane wala hoon. Ye kahani meri hai, Shanaya ki hai aur Pooja ki hai. Teen logo ki prem kahani. Ye kahani mere confusion ki kahani bhi hai. और ये कंफ्यूजन तभी खत्म होगा जब मेरी कहानी खत्म होगी। हॉस्पिटल आ गया, बस थोड़ी देर और। दोपहर के 2:14 हो चुके थे और बिना का गीतमाला 2 बजे की न्यूज के 14 सेकंड्स खा चुकी थी। और बहनों और भाइयों, पहली पायदान पर है वो गाना जिसे पूरा देश गुनगुना रहा है। वो प्यार तो गाड़ी रोकता, बस बस मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस मैं कर रहा हूँ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज फ्रॉम शिखा सारस्वत। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जस्ट पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली, ही वाज 74 इयर्स ओल्ड। Mrs. Indira Gandhi decided to contest from 2 constituencies in the 4th. ये मैं था जो उस दिन पैदा हुआ था, आज से 30 साल पहले, White Ambassador की पिछली सीट पे, Model 1979. आज मैं एक महंगी गाड़ी चलाता हूँ, लेटेस्ट मॉडल, महंगे घर में रहता हूँ और शक्ल से ना सही पर आवाज से बहुत फेमस हूँ। विवान, मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ और इस बड़े शहर में मुझसे एडजस्ट नहीं होता। मन करता है घर वापस भाग जाऊँ।
वापस जाने की बात सोचना भी नहीं मेरे दोस्त। मैं भी छोटे शहर से हूँ और इस बड़े शहर में सभी अपने, सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदलो और जीत तुम्हारी होगी। हाय विवान, मेरे पेरेंट्स बहुत इंटरफेयरिंग है, हर बात में सवाल पूछते हैं। They don't understand me at all. I hate my parents, yeah. माँ बाप का प्यार क्या होता है मुझसे पूछो। जब मैं 14 वर्ष का था मेरे मम्मी डैडी मुझे छोड़कर चले गए। Hey Vivan, what's the meaning of true love, man? सच्चा प्यार वही है जो निभाया जाए। बिलीव इन लव। आपको शायद लगेगा कि मैं एक लकी आदमी हूँ। पर मैं उतना लकी नहीं हूं क्योंकि आज मेरा डिवोर्स होने वाला है। मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का पहला चैप्टर खुल चुका था। कोर्ट की घड़ी में 12 बजे थे, मेरी शक्ल पे 12 बजे थे और मेरे कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज के तो कब के 12 बज चुके थे। पूजा तलवार, आपको इस तलाक के बारे में कुछ कहना है? योर ऑनर, वैसे इतना भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट हम काफी अच्छे दोस्त हैं, पर हमारे बीच में हमारे ईगोज कुछ ज्यादा ही क्लैश करते हैं। बात बात पे झगड़ा। आई थिंक वी बेटर ऑफ एज फ्रेंड्स। हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। तुम क्या चाहते हो? सच कहूं योर ऑनर, डिवोर्स पूजा चाहती है, मैं नहीं। डिवोर्स ग्रांटेड। मन का रेडियो बजने दे जरा। जज का ये हथौड़ा उसकी टेबल पे नहीं, मेरे दिमाग पे पड़ा था और अचानक से मैं उस रेडियो की तरह चलने लगा जिसकी फ्रीक्वेंसीज गड़बड़ हो जाती हैं। मैं प्यार का स्टेशन लगाता तो नफरत के गाने सुनाई देते, गाने खत्म होते तो नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन के जिंगल शुरू हो जाते। ईगो हैसल्स, कंपैटिबिलिटी, रिश्तों की टर्मिनोलॉजी मेरे मिडिल क्लास वैल्यूज के लिए थोड़ी हाई फंडा थी और मेरे लिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग बदल के हो गई कन्फ्यूजन। रेडियो तुम्हारी स्पेकीज। और ये मेरे गणपति जी। यार इन्हें यही रहने दो ना 25 लाख की एसी गाड़ी में। मेरे गणपति को तुम्हारे एसी की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे साथ तो। मेरे साथ क्या? हाँ मेरे साथ क्या? Forever. मैं आज इतनी खुशी के दिन तुमसे लड़ना नहीं चाहती। सो बाय। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो, दामाद जी अंगना। अक्सर तलाक और दामाद में उतना ही फर्क होता है जितना करेले और गन्ने में। दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी तलाक के बाद फिर से दामाद बनने से पहले हजार बार सोचेगा, क्योंकि शादी के इस खेल में गन्ने का करेला होने में बहुत देर नहीं लगती। लेकिन कुछ लोगों ने तो मुझे वो सोचने की फ्रीडम भी नहीं दी। मेरी ये कहानी थोड़ी अजीब सी है, उतनी अजीब जितनी ये फैमिली है जो जबरदस्ती मुझे अपना दामाद बनाने पे तुली हुई है। एक पारसी माँ, पागलपन के मामले में ऑन द स्केल ऑफ 10 मैं उसे दूंगा 7। एक पंजाबी बाप, इसे मैं दूंगा 9। और इनकी ये जेनेटिक कॉकटेल शनाया, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे 10 में से दूंगा 100। एंड बिलीव मी, ये भी इसके लिए कम होगा।
ये एक लंबी कहानी है जो उस रात शुरू हुई थी जिस दिन पूजा ने मुझे तलाक दिया था और मैं टू पेग्स डाउन अपने घर पहुंचा और इस सरफरी लड़की से पहली बार मिला। Have a hap, hap, happy marriage anniversary. May good luck galore shine down on your door. Have a hap, hap, happy anniversary. पूजा तलवार को जानते हैं आप? ये उन्हीं ने भेजा है। Happy anniversary. Have a hap, hap, happy marriage anniversary. May good luck galore. Man ka radio, bajne de zara. Gham ko bhool kar, jee le tu zara. Kya badtameezi hai ye baby? रात को 12 बजे बदतमीज मैं हूँ या तुम हो? डिवोर्स वाले दिन तुम मुझे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी के फूल और कार्ड भेज रही हो? हाँ ये दो, ये देखो इसमें तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं? Give it to me. Oh, I'm sorry. काटा लगा, रुको मैं बैंडेड लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बैंडेड, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फूल, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी तुम्हारा। Don't give yourself so much importance. ये फूल मैंने तुम्हारे लिए नहीं भिजवाए, नीचे वाले भटनागस के लिए भिजवाए थे। और तुम लोग एक सही एड्रेस पे फूल नहीं डिलीवर कर सकते हो? I'm really sorry madam, मैं तो सही एड्रेस पे गई थी लेकिन सही एड्रेस पे थी? यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? सिक्स्थ फ्लोर। और तुम कहाँ पर गई थी? सेवन्थ फ्लोर पे। तो ये फूल मेरे लिए नहीं थे? नहीं, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं थे। हाँ, एक कांटा भिजवाया था, चाहे तुम्हें मिल गया। गुड नाइट। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो। मन का रेडियो। Listen, please don't cry. It's okay. उस औरत का मुझे कुछ अपने पास नहीं रखना। ये आंसू उसके। निकल जाने दो सालों को। And you, you also get the hell out of here. Bloody clown. Man ka radio, bajne de zara, gham ko bhool kar. जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ, हो गया जो हुआ, भूले विसरगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ,
हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। क्या खोया क्या नहीं पाया उस पे रोना तू छोड़ दे, उस पे रोना तू छोड़ दे। बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा, दर्द ही बने दवा, फंडा है ये लाइफ का। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। हाय दिस इज 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मैं हूं आपका सिर्फ आपका और सिर्फ सिर्फ आपका विवान शाह। देयर यू गो, आज की फर्स्ट कॉलर। यस योर नेम प्लीज। रास्किल। बहुत ही प्यारा सा नाम रखा है आपके माँ बाप ने। एसहोल। सरनेम भी बहुत अच्छा रखा है। So, Miss Rascal Asshole, कुछ कहना चाहेंगी आप? You call me a clown now last night when I tried to help you. Just remember, if I ever see you now, मैं change की heel पहनती हूँ। आपका प्यारा सा message पहुँच जाएगा। Address SMS कीजिए 569656 पे। अपना नाम space message space address और बाकी जो space बचे उसमें अपनी change की heel की picture भेजना ना भूलिएगा। याद रहे ये picture 2 megapixel से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। Coming your way is our new song. ओए जिंदगी जैसे एक रेडियो, अलग अलग थोड़े सुनाती है। रात के 12 बजे तुझे एक लड़की घर तक छोड़ने को तैयार है और तू साले पढ़नी चाहिए तुझे एक पीछे से। बिल्ली मार सकता था साले, ये वाली चलेगी? नहीं चाहिए। क्या यार? नो वेज यार। तू भी ना, कसम से। देख पेप्स, मुझे अब कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आई वांट टू बी अलोन। No marriage, no relationship. इश्क ते समझो जैसे अखाड़ा, कुश्ती वे है दिल दिए कुश्ती है। कभी कर दे कभी सैड बनाए, कभी सेंटी कर दे कभी मैड बनाए। इज इट नाइस? बने। आई स्वेयर मैम, मैंने एक बूंद मिर्च नहीं डाली, प्लीज बिलीव मी मैडम। झूठ, मिर्ची के तो बूंद होता ही नहीं है, मिर्ची के तो दाने होते हैं। करेक्ट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। चनाया, माफी मांगो इनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। इन दैट केस आई विल हैव टू फायर यू मैडम। अगर वो आज माफी नहीं मांगना चाहती तो मैं कल आ जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है। आज माफी मांगेगी ये? मैं कल भी माफी नहीं मांगूंगी। परसों? नेवर। और आप क्या फायर करेंगी मैडम? मैं आपको फायर करती हूँ। ओके, आर यू सैटिस्फाइड? हैप्पी? अरे अरे, कोई रोके इन्हें। थोड़ी देर में मेरे अंदर का अच्छा विवान मेरे बुरे विवान से झगड़ा करने लगा। विवान, तुमने उस बेचारी लड़की को उसके जॉब से फायर करवा दिया। इस पाप का प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा, और इसीलिए उस खूसट आंटी से मैंने शनाय के घर का एड्रेस लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रब दे लाडले हम है बावले, फिर कैसा है फिर कैसा लफड़ावे। दिवान, दिवान। मुझे बचा लो दिवान, कह दो इन सब से कि तुम मेरा प्यार हो, कह दो कि तुम ये शादी नहीं होने दोगे। ओए जिंदगी।
अलग अलग थोड़ा सोना भी है। साउथ मुंबई का डीसीपी है उसका बाप। What do you think of yourself, huh? तू रही हो उस लड़की से अब। विवान, हाय। मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर, वी आर वन ऑल। विवान, विवान, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफ, माफ, पूरा माफ। मुझे तुम्हारी माफी का सबूत चाहिए। Are you crazy? मैं सही बोल रही हूँ विवान। पूरी रात गुजारी है मैंने जेल में। I'm so sorry विवान। Actually मुझे किसी की जिंदगी बचानी थी। What? शनाया। Cyrus। शनाया, प्लीज़ शादी तोड़ दो। तुम किसी और से प्यार करते हो? All the best. किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? No, Vivan, I swear, तुम्हें जेल ले गए तो इतना बुरा लगा मुझे, कर दो ना माफ, प्लीज। कई बार अच्छी दोस्ती की शुरुआत अच्छे झगड़ों से होती है, जैसे मेरी और शनाया की। झगड़ों का कोटा हमने पूरा कर लिया था, अब टाइम था दोस्ती का। तेरे गम से बरी हो जाना बेहतर ही था। और अब वक्त है हमारे अगले कॉलर का, बोलिए। हाय विवान, आई एम रियली अपसेट। मेरा बॉयफ्रेंड, यू नो, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ही वाज चेकिंग आउट पॉर्न साइट्स। तेरे गम से बरी हो जाना बेहतर ही था, पर खुद ही बदला है मैंने इरादा रिहाई का। तो राहुल हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए राहुल। यार मेरी गर्लफ्रेंड बहुत शकी है, मुझे स्पेस ही नहीं देती। मैं फेसबुक पे एक लड़की के साथ चैट कर रहा था, इतना बड़ा इशू बना लिया। तो राहुल तुम भी कहो ना अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो भी किसी लड़की के साथ फेसबुक पे चैट करना शुरू कर दे, इससे तुम्हें तुम्हारी स्पेस मिल जाएगी और उसे एक नया दोस्त। ये फेसबुक क्या होता है? शनाया वाज कूल, वो मुझे मेरी स्पेस देती थी। उसे मालूम था मेरे डिवोर्स के बारे में, लेकिन उसने एक बार भी पूजा के बारे में कोई बात नहीं की। बस एक प्रॉब्लम थी, शी वाज अ फेसबुक एडिक्ट। दीदी, यू आर इन लव? उससे क्या देखा तुमने उसमें? I know he's so different, but he's so simple, you know, basic, and he has this vulnerability. कुछ है उसमें. And we have this very strong chemistry, and I don't know, I can't control it. बस हो गया, हो गया. I don't know how it happened, but. यार ये तुम क्या हमेशा Facebook पे लगी रहती हो यार? Cause I'm cool and I'm hip. Hey, should I open an account for you? No. बाहर लड़कियां मिलेगी फ्लर्ट करने के लिए? नहीं चाहिए। I'm very happy being single and I'm serious. उसको पता है कि तुम उसे प्यार करती हो? पता तो चलता ही है, every guy can sense it. लेकिन उसके past experiences के वजह से वो बहुत डरता है। I mean he's just so scared of relationships. You're just so scared, scared of relationships, no? Yeah, I am. वो अपने आप से भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे दोबारा कभी किसी से प्यार हो सकता है। बट वन डे ही विल सी। जुदा जुदा सा मैं हारा हारा सा, खिला खिला सा कफा कफा सा, मैं मारा मारा सा, रफा दफा किया नहीं जाए, तुझे जिया भी नहीं जाए, तुझे भुलाया नहीं जाए। I must say I was settling down in life again, thanks to my friend Shanaya. हर रेडियो शो के हाइज एंड लोज होते हैं। मेरे शो की रेटिंग जब ऊपर जाने के बाद नीचे गिरने लगी,
तो उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई। उसने कहा कि शो में आई साउंड लाइक समवन जिसकी जिंदगी से रोमांस खत्म हो चुका है। और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने शो में एक नकली प्रेम कहानी को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मेरी को आरजे बनने को भी तैयार हो गई और मुझे मंदिर ले गई दुआ मांगने। रफा दफा किया नहीं जाए, तुझे जिया भी नहीं जाए, तुझे भुलाया नहीं जाए हो। पूजा, पूजा का फोन आज 4 महीने बाद, जरूर कोई इमरजेंसी होगी। पूजा बाय प्रोफेशन एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है। उसके एक फेवरेट स्टार ने Page 3 पे किसी और कोरियोग्राफर की तारीफ कर दी थी। शी वॉज इमोशनली फीलिंग डाउन। अजीब बात है ना, लेकिन पूजा ऐसी है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। रोते नहीं है। कॉफी? कॉफी मैं बनाता हूँ, लेकिन तुम रोगी नहीं। नो क्राइंग, प्रॉमिस। I'm sorry. शनाया ने हाँ कहा और अगले ही दिन हमारा ये नकली प्रेम कहानी का शो शुरू हो गया। हमने इस शो का नाम रखा मिस्ट्री गर्ल। दिस इज 98.3 FM रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। हाय, मैं हूँ आपका सिर्फ आपका और सिर्फ आपका विवान शाह। और अब मुहूर्त है हमारे नए शो के पहले गाने का। Yes, Mr. Mehra. Generally, we take an advance of 50%, but in your case... Hey, Shanaya, congratulations, thank girl. Thank you. Let me know. You were fantastic, superb. Welcome to the family. Thank you. Hello, everyone. Great news, everyone. We just broke our old record. 7 महीने पहले, जिस शो पे हमने गाना पहले चलाया था, उसके रिकॉर्ड नंबर ऑफ कॉलर्स थे 72, और आज हमारा रिकॉर्ड है 114 calls. और इस तरह से शनाया मेरे शो में वो मिस्ट्री गर्ल बन गई जो फेमस आरजे विवान शाह से प्यार करती है। टेल मी, तुम्हारी दोस्त ने कहा तुम मुझसे कुछ करती हो। राइट, कुछ कुछ होता है जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ। क्या होता है, कोई दर्द सा होता है? होता है, मीठा मीठा सा। नो, एक्चुअली क्रैक चैक जैसा, खारा भी और मीठा भी, 50-50, यू नो। धीरे धीरे हमारी रेटिंग्स बढ़ती गई, वैसे ही जैसे हमारी दोस्ती। बाय बाय। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शनाया के बॉयफ्रेंड हो। ऐसी बातों के लिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम हमसे डरते हो। तो फिर मान लीजिए आपको जो मानना है। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं हूं भाई। शनाया, ठीक है,
अगर तुम शनाया के बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कल से शनाया इज अंडर हाउस अरेस्ट। यू एन एसहोल विवान। अरे बात तो नहीं बना रही ना तुम्हें, कह दो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। देखिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये सोशल सर्विस करना नहीं लिखा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। Hey, shut up, you, shut up! I'll call you back, पूजा। No, don't bullshit me, man. कुछ आइडिया है तुम्हें that this show is worth 8 crores a week? महीने के 32 करोड़ होते हैं। I'm doomed, man. And if I am, you bloody all are. सिक्का उछाल लूं? नहीं, अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो सिक्का उछाल के फैसला कर लेते हैं। प्यार के फैसले सिक्के उछाल कर नहीं किए जाते सर, मेरा मतलब है डैडी। ओए होए, वाह वाह, ओ कमाल की लैंड बोल दीती है तू ब्लडी ट्रांजिस्टर। ओ भाई रेडियो वाले तो लैंड बोलने का ही खाते हैं। चलो आ जाए, फैसला तो हो गया कि साड़ी शनाया तेरे घर में भूखी नहीं मरेगी। ओ भाई खुश कितना है तू। कमर में दर्द नहीं है? हाँ नहीं, अगर झुकने में तकलीफ ना हो तो पैर छू सकते हो डैडी के। भाई शनाया की मम्मी को खुश करने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। बस खुश कितना। और इस तरह से चैनल के 8 करोड़ बचाने के लिए मैं इस घर का ऑफिशियल दामाद बन गया। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो हो हो, कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है, उलझे मेरे दिन रात है, उलझे मेरे दिन रात है। तो दोस्तों दुनिया बदलेगी, जमाना बदलेगा, लेकिन वो इन लॉज नहीं बदलेंगे जो अपने दामाद को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक कचरे का डब्बा समझते हैं। And now it's time for our super hit show, Bahut Confusion Hai by Jhandu Lal Tyagi. Jhandu Lal Tyagi. Hello, Honey Trehan Film Institute. आप फिल्म बनाना सिखाते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जी, मुझे एक फिल्म बनानी है, award winning. Yes sir. कुत्तों के ऊपर। कुत्तों के ऊपर? जी, कुत्तों के ऊपर। तो आप उसमें ट्रेनिंग देंगे? सर ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए सर? मेरी परेशानी यह है कि कुत्तों को एक्टिंग कौन सिखाएगा? तो आप किसी डॉग ट्रेनर से बात करो ना जी। नहीं, मैं ट्रेन के ऊपर नहीं, कुत्तों के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ सर। तो वो आप कीजिए ना, मैं कहाँ रोका आपको? प्लीज, मैं आपको। आप प्लीज क्यों कहते हैं, मैंने आपको रोका ही नहीं है। सर आपको क्या चाहिए? क्या है कि एक सीन में 30-40 कुत्ते हैं, बड़ा इमोशनल सीन है, वैसे वायलिन बज रहा है। आप हाँ ही हाँ करेंगे या मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएंगे? वो हमारे पास नहीं है, कोई डॉग ट्रेनर ढूंढ लो आप। कहाँ ढूंढेंगे सर? इश्तिहार दे दीजिए। क्या दे दें? इश्तिहार, समझ रहे हैं? अरे कुत्ते कहाँ इश्तिहार पढ़ेंगे यार। तेरी बंद कर। जन 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 झंडूला, बहुत कंफ्यूजन है। यू श्योर टू देम? अरे यार मैं भूल गया तुम्हें फोन करना यार, नया शो है। I was dealing with an emergency. Emergency सिर्फ तुम्हारी लाइफ में नहीं है। तो बोलो ना, सॉरी यार। And let me tell you one thing, that new show of yours is utter crap. My show is crap? मेरा शो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मेरा गाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मेरा कुछ भी। वो लड़की कौन है? That mystery girl in your show? है कोई? मतलब?
Do you love her? No way, Zia. क्या बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर संडे ब्रंच के लिए मेरे साथ स्वाति के घर चलोगे? She's having a party. And please, कुछ और मत समझना. इस जगह मैं अकेले नहीं जाना चाहती. सुनो, खूबसूरत लड़कियां होंगी ना? हाँ, होंगी. लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि तुम कितने बड़े इडियट हो. Why you so nervous? जीजू, bye bye. All the best. उधर मेरा प्लान था पूजा के साथ संडे ब्रंच पे जाने का, और इधर शनाया की क्रेजी फैमिली मुझे उसके साथ एक फोर्स्ड डेट पे भेज रही थी. तेरी मेरी दोस्ती का आसमां जाने कहां. You play well. Thank you. Actually, you know what, विवान, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स के लिए अपना वॉइस भी दिया है. Fantastic. आलू मैश, क्लाउन एंड बैकअप वोकलिस्ट. Superb. या बट विवान, तुम बहुत अच्छा गाते हो यार. Darling, दो नावों में सवार होने वाले को क्या बोलते हैं? Idiot, बेवकूफ. I don't understand what is wrong with you. तुम इतने सक्सेसफुल आरजे हो, you're doing so well for yourself. Please, ये म्यूजिक के ख्वाब देखना छोड़ दो. कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. कुछ नहीं होने वाला मेरा जिंदगी में. God, इतने नेगेटिव क्यों हो तुम जिंदगी को लेकर? What's wrong with you? So negative all the time. नेगेटिव जिंदगी ने दिया क्या है मुझे? अपने प्यार के साथ घर बसाया तो जिंदगी ने क्या दिया मुझे? डिवोर्स के एक पेज पे कोर्ट का लाल थप्पा. विवान, जिंदगी ने तुम्हें ये गाना भी तो दिया है. शनाया ने कहा लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी को एक नया चश्मा पहन के तो देखो. उसकी बात तो सही थी, कुछ था जहर सा जो मेरे खून में दौड़ता है. इज दिस यू? और फिर जुबान से निकलता है. मैं भी तुम्हारे साथ चलूं इस पार्टी में, प्लीज. Please, please, please. पूजा प्लीज यार, एक बार और सोच लो. मैं मानता हूं कि हम लोगों के ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन डिवोर्स इज नॉट द सोल्यूशन. आई विल वर्क टूवर्ड्स इट. मैं सब कुछ ठीक करूंगा. कुछ ठीक नहीं होगा विवान. वी ट्राइड, हमने सब कुछ करके देख लिया. हम दोस्त ही अच्छे थे, हम में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एंड प्लीज, इफ यू लव मी, लेट मी गो. पूजा, क्या मैं पार्टी में अपनी एक दोस्त को साथ ले चल सकता हूँ? कौन है वो? वो ही मिस्ट्री गर्ल. तुम्हारी लव स्टोरी? हाँ. नहीं पूजा, तुम्हें लगता है कि मैं उस चिरकुट लड़की से प्यार कर सकता हूँ? नो वेज. आई श्योर? या तो ठीक है, उसे बोलो पीछे बैठे, मेरी सीट पे बैठी है. श्योर. विवान, I'm sorry. मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया ना. क्या बिगाड़ दिया? कुछ नहीं. इस गाड़ी के सफर में पूजा ने शनाया को कंप्लीटली इग्नोर किया. गाड़ी का यह सफर था तो बहुत छोटा सा, पर मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इस सफर में मैंने तय किया कि चाहे कैसे भी मैं अपना एक गाना रिकॉर्ड करूंगा. पार्टी में भी पूजा ने शनाया को इग्नोर किया. It was my first recording.
शनाया ने कहा कि रिकॉर्डिंग के बाद वो मेरा गाना नेट पे अपलोड करेगी। मैंने इंसिस्ट किया कि इस गाने में वो भी मेरा साथ दे। तेरी मेरी दोस्ती का आसमां, तेरी मेरी दोस्ती का आसमां, जाने कहां वो, तेरे मेरे फासले जो खो रहे हैं जमीन, पल पल जाने तो दोस्तों, मेरी एक दोस्त ने कहा है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी से प्यार करो, दोस्तों से प्यार करो, सपनों से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, लेकिन कंफ्यूज्ड कभी मत रहो। और जब कंफ्यूजन की बात चली है तो वक्त हो चला है हमारे सुपर हिट शो बहुत कंफ्यूजन है का। हेलो, ये मोबाइल का एजेंसी है ना आपका? हाँ जी। हमको मोबाइल फोन चाहिए, लेटेस्ट में मंगता है। रेंज क्या साहब आपकी? रेंज सात पूरा का रेंज? नहीं नहीं, वो नहीं, वो वाली रेंज नहीं साहब। अच्छा, कुकिंग रेंज पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, कितने का लोगे साहब? 5,000 तक 10,000 तक? 10,000 तक। तो एक फोन है साहब, उसमें 3.2 मेगापिक्सल कैमरा है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फोन चोरी हो जाए तो ट्रैकिंग भी है साहब। नहीं, चोरी का फोन नहीं चाहिए भाई। चोरी का फोन नहीं है साहब, आपका फोन चोरी हो जाए तो सॉफ्टवेयर से वापस ला के देता है। चोर वापस ला के देता है? नहीं, ब्रांड न्यू चाहिए, पेटी पैक। तो आप दुकान पे आओ ना भाई। अच्छा, और क्या क्या है? ये जावा को भी सपोर्ट करता है साहब। वो गाना सुना है हमने, मर जावा मिट जावा, अच्छा गाना है। ओ भाई, ये बताइए, मोबाइल में माइक्रोवेव है? तेरी माँ का फोन रख। बहुत कंफ्यूजन है। जन 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 झंडोला बहुत। आया 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 जीजू, आ गया। अरे गया हो? गया जीजू। आया? उन तो और ही खराब हो गया यार। और खराब हो गया। आया 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 जीजू, आ गया, आया। अरे गया गया गया, फिर से चला गया। आया? कितने टूट गए हैं उन्होंने? दस आ रहे हैं। जीजू, नहीं आया, नहीं आया जीजू।
आओ ये बदलवाओ ना यार, पैसे मैं देता हूँ। जीजू लस्सी। दामाद जी। आराम से, ध्यान से। ये क्या? पारंजाबी लस्सी। परांजबी। पारंजाबी। मम्मी पारसी है और पापा पंजाबी। ये ऐसा फ्यूजन है जीजू जो आपके होश उड़ा जाएगा। होश तो मेरे वैसे भी उड़े हुए थे, लेकिन इस परिवार में था कुछ ऐसा which was bringing out the best in me। धीरे धीरे मैं इस क्रेजी फैमिली से जुड़ता गया और मुझे गुस्सा आने लगा चैनल के बॉसेस पे जो शनाया को सिर्फ एक कमोडिटी समझ रहे थे। पहला हफ्ता कौन है ये मिस्ट्री गर्ल, दूसरा हफ्ता ये मिस्ट्री गर्ल है डैश 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 डैश, तीसरा हफ्ता वी रन अ कैंपेन ऑल ओवर द सिटी, और चौथा हफ्ता शनाया बिकम्स अ सेलिब्रिटी। शनाया का नाम बाहर आ गया तो उसका क्या होगा? क्या होगा? अरे शनाया सेलिब्रिटी बन जाएगी। शी इज एज पॉपुलर एज यू। ये सब एक नाटक है जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानेगा कौन कि ये नाटक है? कौन करेगा उससे शादी? ओ कम ऑन, किस जमाने की बात कर रहे हैं? तुम्हें कुछ आइडिया है विवान के? आजकल एक सेलिब्रिटी लड़की के साथ शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है, लाइन। वी विल गेट अ मैरिड। तूने लाइन से याद कर ली सारी की सारी? हाँ, अच्छा आई गॉट अ गो बट जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। थैंक यू। हाय। सुना है बहुत बड़ी स्टार बन गई हो? खुश हो के ये कह रहे हो या? शनाया यू आर नॉट माय कंपटीशन प्लीज। कैन यू हियर मी? ओके डन। ये पीछे देख रही हो? भेड़िए, इनका सिर्फ एक ही मान है, पैसा। पतंग की तरह उड़ाएंगे तुम्हें ऊपर ऊपर ऊपर, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने दुनिया जीत ली है, फिर नीचे से डोर काट देंगे, कहां जाकर गिरोगे ना पता भी नहीं चलेगा। वो तुम्हारा कॉलर ठीक कर दूं? वी आर नॉट ऑन टीवी। ओके, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या यही कि तुम्हें समझने में मैंने कोई गलती नहीं की? ओके एवरीबॉडी, द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। दिस इज 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट, और मैं हूँ आपका सिर्फ आपका और सिर्फ आपका विवान, विवान शाह। और मैं हूँ शनाया ढिंगरा। धीरे धीरे हमारा ये स्टूपिड फेक शो एक क्रेज बन गया था। रोमांस, केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी। हम तो सिंगल ही अच्छे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जैसे पूरा देश हमारी इस नकली प्रेम कहानी को सुन रहा था। विवान, व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और इस शो ने ना सिर्फ रेडियो के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बल्कि एक ऐसा नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पहली बार किसी रेडियो शो को टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। जी हाँ, पहली बार। There was nothing great about this show, but still people were loving it. Finally, finally, finally something's happening here. Where to go? Shania says, thank God. अगर मैंने उस दिन तुम्हें शो में फोन ना किया होता, तो हम कभी ना मिलते. You know? And Vivan says, how's it going, guys? All set? All set. Perfect. Great. And Vivan says, अगर हम ना मिले होते, तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती. I love you, Shania. ये तो कबूल करना हुआ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। Bingo, you got it, my boy. इसी बात के तो 8 crore मिलते हैं हमें। I want no such lines. I don't love her. ऐसी कोई भी बात मैं टेलीविजन पे नहीं बोलूँगा। Hey, Vivan, listen. Come back. Listen to me, Vivan. जैसे लाडू मोती
Ladies and gentlemen, we present to you our most popular RJ, Vivaan Shah and the Mystery Girl. Vivaan, who's this Mystery Girl? अरे चेहरा तो दिखाओ ना यार इसका. आज स्वयंवर होने वाला है क्या भाई? नकाब के पीछे तुम्हारी एक्सवाइफ तो नहीं ना विवान? Do you love her, Vivaan? Everyone says it's a stage show. What do you say, Vivaan? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. It's a pleasure knowing you. Pooja, kya hua? Hey, what happened? Come on, Pooja. You're a strong girl. I'm sure. एक दिन तुम्हें विवान से भी कोई अच्छा मिल जाएगा. मुझे विवान से अच्छा नहीं चाहिए. मुझे विवान चाहिए. प्रिया, मैंने सब खराब कर दिया. I really messed it up. No, sweetie. ये बोल क्यों नहीं रहा? Should I prompt him? No! खुद बोलेगा वो. Okay. Vivaan, I know you can hear me. अपनी line बोलो Vivaan. Say your line. Damn it! Can you hear me, Vivaan? अगर lines याद नहीं है तो मैं बोलती हूँ. You can follow me, okay? Do you hear me? पूरा नहीं हो श्रृंगार, पूरा नहीं हो श्रृंगार, जब तक लगे हो यार. क्यों चिल्ला रही है? क्या क्या चिल्लाया? ये रो क्यों रही है? हाय, खुशी के आंसू भी नहीं पहचान सकती. विवान, प्लीज मैन, कम ऑन, ये शो फ्लॉप हो जाएगा. Please, please, speak up. I can't say these lines, Shania. मैंने जिससे प्यार किया था उसे खो दिया. अब इस दिल में किसी के लिए कुछ नहीं. शो के लिए भी मैं ये लाइन्स नहीं कह सकता. I'm sorry for putting you in a soup. Shania, darling, तुम बोलो baby. Bolo, come on, say it, Shana, say it. हाँ, ज़िंदगी खूबसूरत है, पर वो ज़िंदगी नहीं जिसमें प्यार ना हो. You go ahead with your lines, Shania, go ahead. और तुम्हारे ज़िंदगी में प्यार, मैं लाऊंगी. Yes! I love her, man. She's a star. आठ करोड़ का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन इस खेल ने हमें जिस आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया था वो साफ नहीं था. अगले ही दिन शनाया ने शो की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे और पूजा को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया. पूजा आना नहीं चाहती थी, लेकिन शनाया उसे भी खींच लाई.
और कौन से शोज पसंद है आपको? यूट्यूब पे जो भी आते हैं सब, सबके सब बहुत पसंद है सर। और हमारा थीम म्यूजिक अच्छा लगता है आपको? बहुत पसंद है सर। थैंक यू सर। मैम प्लीज, आई लव दैट लाइन ऑफ योर्स, लाइफ इज ब्यूटीफुल बट नॉट विदाउट लव। थैंक यू सो मच। पूजा देख रही हो, स्टार बन चुकी है। व्हाट्स योर नेम? अर्पिता। थैंक यू। कीप लिसनिंग टू द शो। या स्टे ट्यून्ड। विवान तुम यहाँ आके बैठो। क्यों भाई? तुम दोनों के कपड़े मैच करते हैं स्टूपिड। जस्ट कम हियर। वेरी फनी। मेरे कपड़े उस लड़की से मैच नहीं करते। मैं वहां जाके बैठूं? नो नो, यहाँ। ओके, जस्ट कम हियर। ओके, या फाइन। अगर तुम दोनों का ये रेडियो शो बंद हो गया, शैल वी ऑर्डर? ओके सो टेल मी पूजा, तुम क्या मिस करती हो सबसे ज्यादा जो पहले विवान के साथ था और अब नहीं है? झगड़े। व्हाट? रियली? व्हाट आर यू डूइंग टू माय पर्स? झगड़े तो हो जाए आज। ए कहाँ फंसा रही हो? बहुत डेंजर लड़की है ये। हो जाए पूजा, एक बढ़िया सा फाड़ू झगड़ा। आई वांट टू सी इट, कम ऑन। महंगा पड़ेगा। कोई बात नहीं। Like always, पूजा ने अपना unpredictable behavior दिखाया। What are you doing? जब झगड़े होते थे ना, मैं क्रॉकरी तोड़ती थी। ऐसे। But what surprised me was that me and Shania were absolutely out of character that night. यही तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है? We were behaving like kids. और लेके आओ, पैसे मैं दूंगा। बहुत मजा आता है प्लेट तोड़ने में। थोड़ा खाओ, थोड़ा तोड़ो। आप सबको भी जितनी प्लेटें तोड़नी है तोड़ दीजिए, पैसे मैं दूंगा। बचपन में सुना था कांच का टूटना अच्छा शगुन होता है। तोड़ते जाइए। तोड़िए, बहुत मजा आता है प्लेट तोड़ने में। तोड़ते जाइए। वेरी गुड, तोड़ते जाइए। और तोड़िए, और तोड़िए। Life is beautiful. Oh wow! एक मिनट। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों से। दोस्तों, मेरे और शनाया की एल्बम का पहला गाना रिकॉर्ड होने जा रहा है। जो तुम कभी मुस्कुराए तो लगा है ये मुझको के जिंदगी बेवजह नहीं है। हाँ के जिंदगी बेवजह नहीं है। हाँ ओ एक दिल है मगर क्यों रखता है ये गम कई, चाहे बेवजह मगर तड़पता है ये हर घड़ी। हाँ ये गम बात मानता ही नहीं। ओ स्लीपिंग। सुबह के 3 बजे हैं पूजा। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, सुबह के 3 बजे तुम्हें बहुत अच्छे सपने आते हैं। कौन है तुम्हारे सपने में? Are you drunk? No, I'm not drunk. I'm not drunk. You know, Vivan, I went to a party. सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारा शो कितना सक्सेसफुल है, तुम्हारी और शनाय की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। Everybody was saying, you guys look good together. Like a couple. Nice couple. पूजा हम लोग कल सुबह बात। Tell me one thing. तुम कहते हो ना, you're like friends. Are you like buddies or?
parties. Hi. Vivan, I'm really sorry. कल रात को मैं जो कुछ भी हुआ. It's okay, Pooja. I don't know. मैं क्या बोल रही थी. It's I मेरा वो मतलब नहीं था. You've said sorry now. It's okay with me. हाँ वो शनाया के सामने ये सब बातें कभी मत करना. सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी. I was drunk last night, Vivan. I promise it'll never happen again. Cool. जीजू चला गया. आया? अरे फिर गया. जीजू फिर से चला गया. आया? आया पापा. वो आंधा है, जानदा है, देख नहीं सकती तू. ओ यहीं बैठ के बोली जाएगी, जाके बोल थोड़ा और घुमाए. आया जीजू बेटर है, और घुमाओ. पापा अब पापा की पापा पापा करती है, दिमाग दत्त ही कर दिता. ओ यार पाकिस्तान का चैनल आ गया है, नहीं चाहिए ब्लडी ट्रांजिस्टर. पापा मारू काम नहीं भाई है, ये मेरा काम नहीं है. आई एम एन आरजे. I'm not a Dishandina mechanic. I'm trying. Oh, to plate nu chhad, katchi phad. Ae katchi. Oh, mere rabba, chitti wali hai. Oh, samjha nu. Are wo lamba hai na jiju. Usko. Ye lamba. Phad lo. Ha, jiju please ek aur try. Please jiju mere liye ek last try please. Papa, ek do na. एक ही दिया है. हाँ तो सारे खा जाएगी तो सब्जी के तेरी बनाएंगे. हेलो हो गया? क्या हो गया? सारे छीलने हैं, निमोने में पड़ेंगे तो एक तैसे हो जाएंगे. भैया आज यही खा के जाओ, बहुत अच्छा बना दिया है. और तुम्हारे लिए आज तो मैं मिर्च भी नहीं डालूंगी. हाँ. विवान की मीटिंग है म्यूजिक कंपनी में. भाई लोग कहते हैं कि आपकी बेटी तो स्टार हो गई है, और मैं लोगों को बोलता हूँ कि हमारी बेटी क्या, हमारा होने वाला दामाद तो सुपरस्टार है. इतना चाट क्यों रहे आप उसे पापा? देखो जी, इस घर की औरतों की यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देती आपको. आप डरना मत पापा, आप पुलिस वाले हैं, इस घर की औरतों से चुन चुन के बदले लेंगे. इस घर की औरत. अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलो ना, क्या हुआ? डैड कैटरपिलर. किसी ने तो डराया तुम्हें. पापा मटर के छिलके में शेर था. ये था इस पारसी पंजाबी फैमिली का मैटिनी शो. नाइट शो उतना मजेदार नहीं होगा क्योंकि तब डीसीपी साहब ड्यूटी पे चले जाएंगे. घर में एक भी पागल कम हो जाए तो उतना मजा नहीं आता. तो सचमुच अपने फैमिली सीक्रेट्स बताने ही नहीं चाहिए. मेरे पापा को हार्ट अटैक हो जाता तो ये मीटिंग कहां से निकल आई मेरी? विवान इस गेम को बंद करते हैं अब. क्यों? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. बट इट्स योर लाइफ. ज्यादा खेल करेंगे तो ज्यादा दिल टूटेगा ना. चौबीस को वीडियो की शूटिंग है. पूजा से कोरियोग्राफी करवाए? या शी इज वेरी गुड. ओके कल डिनर पे चले हम तीनों, वहीं पे विल डिस्कस हाउ टू शूट द सॉन्ग. ओके डन.
अजीब लड़की है ये यार, आएगी आएगी, भाड़ में जाए अगर नहीं आएगी तो। पूजा लेट्स ऑर्डर, बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। यस सर। प्लीज सेंड समवन। श्योर सर। शी इज नॉट कमिंग। क्यों? डोंट नो, मे बी उसने अपने घर वालों को बता दिया। क्या? यही कि उसका और मेरा ये सब एक गेम था। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? तुम क्या लोगे? एनीथिंग। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरा डिफेंस मैकेनिज्म मुझसे उल्टी चीजें करवा रहा था। दिल उदास था मेरा, बट आई वॉज येट ट्राइंग टू क्रैक अ जोक। एनीथिंग एल्स? जस्ट गेट दैट, या? ओके मैम, थैंक्स। आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट। आई स्वेयर। विवान, आई मिस योर सेंस ऑफ ह्यूमर। 6 साल एक ही सफर के बावजूद हम सफर नहीं थे हम दोनों। आज सफर नहीं है तो साथ बैठे। कोई चाहे कोई ना कोई चाहे, हम सफर जिंदगी है। कोई ना कोई चाहे, बहुत अकेले जी चुके हैं, थक के तन्हा अब रुके हैं। कह रही आवारगी है, कोई ना कोई चाहे। इस वीडियो शूट के दौरान बहुत कुछ हुआ। शनाया ने मुझे अपने घर न ले जाने के नए नए बहाने बनाए। मैं और पूजा फिर से दोस्त हो गए, और शनाया ने तो जैसे पूजा के घर को ही अपना नया अड्डा बना लिया। शी ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल टू कम क्लोज टू पूजा। वाओ, सच अ नाइस हाउस यार। हाँ, डिवोर्स के कुछ फायदे होते हैं, पर ना ये घर इतना साफ नहीं होता। आई एम गोना टेल विवान। अच्छा, वेयर इज द मिरर? द इनसाइड। Inside? Left. Wow, I love your house, yeah. I like this, but zara bada nahi hai? I told you. I don't know. I like the color though. Hey, coffee? Yes, please. Main banao? Okay, bana. तेरे गम से बरी हो जाना बेहतर ही था, पर खुद ही बदला है मैंने इरादा रिहाई का। विवान बहुत बदल गया है। नेगेटिव पॉजिटिव? ओह डेफिनेटली पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले तो बात करता था तो ऐसे लगता था जहर निकल रहा है उसके मुंह से।
दोबारा शादी कर लो उसे, बड़ा मजा आएगा। कॉफी बना जाके गो गो। रफा दफा किया नहीं जाए, तुझे जिया भी नहीं जाए, तुझे भुलाया नहीं जाए। हो क्या हुआ? पेप्स में ये सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कि यार कभी तो तू लड़की की तरह बिहेव कर। क्यों, क्या खराबी है? कभी तेरे को बोला कि तू लड़की की तरह बिहेव कर? विवान, पिछले एक घंटे में ये बार बार राउंड है जो इस बिल्डिंग से आया है, और जवाब में पुलिस वालों ने भी जबरदस्त फायरिंग की है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि सनसनी खेज शूटआउट की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आप देख रहे हैं। इस समय तक हमें मालूम नहीं है कि ये नॉर्मल गैंगस्टर्स है या खतरनाक। दरवाजा बंद करो। ये देख, इसको देख। सर ये सारी टीवी वाली मरेगी। पटेल पटेल रोक उसको, इतना आगे जाएगी तो गोली खाएगी। पकड़। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे चल। अरे मरना चाहती है क्या? पीछे चल। ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए सबको, गर्दन ब्रेक होगी तब मिलेगी ब्रेकिंग न्यूज़। क्यों भाई, कोई गलती होगी हमसे? हाँ कोई गलती होगी हमसे? नहीं तो? तो खाना अच्छा नहीं बनता हमारे घर पे? नहीं तो? हाँ अच्छा बनता है। हम लोगों को पास जाने से रोक दिया गया है, और ये एक्सक्लूसिव कवर। तो इतना बिजी हो गया हमारा सुपरस्टार दामाद कि बुलाने पे भी नहीं आता। इस तरह का पुलिस एनकाउंटर इतने पास से आपने कभी नहीं देखा होगा। गया साला। पाटिल पाटिल पाटिल, वो शनाया ने कुछ बताया नहीं आपको? पाटिल कम इन, पाटिल कम इन, कम इन पाटिल। यार दो घंटे हो गए साले, इनकी कापदी ना मारो, आजा यार। सर कौन है ये लोग? हाँ सुना है? ओए शी इज इन द शो विवान। हाय पेप्स, शनाई से मेरी बात कराना जल्दी। कोई भी गाना चला दे। इट्स माय लाइफ इन दैट एयर। अबे गाने का ब्रेक इज 5 मिनट्स अवे। बट बडी यू साउंड लाइक यू आर इन लव विद हर। ये देखिए लव मी। नहीं यार तेरे को एक्सेप्ट करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। तू मेरी श्रिंक है ना, तुझे सब पता है। अब तू मेरी बात करा रही है ये? अच्छा ठीक है पापा, रिलैक्स, आई पुट योर कॉल थ्रू, लेकिन अपना नाम मत बोलना, मेरी नौकरी जाएगी। हेलो, यू रीच 98.3 एफएम। मैं हूं शनाया, क्या कह के पुकारूं आपको? जी कुछ भी, मेरी एक प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक लड़की को जानता हूं और उसके घर वाले मुझे अपना होने वाला दामाद समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मेरे और उस लड़की के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो जी जी, तो उस लड़की ने मुझसे कहा था कि वो अपने घर वालों से बात करेगी, लेकिन उसने की नहीं। ऐसा क्यों किया होगा उसने? हो सकता है वो लड़की डर गई हो। डर गई हो? अरे लेकिन मैं उसे कहना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं, मैं उसके साथ हूँ। थैंक यू, आई मीन उस लड़की की तरफ से थैंक यू। और आज मैं उसके घर जाने वाला हूँ। वो लड़की बेचारी अकेली इस झंझट में क्यों फंसी रहे? तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत नहीं, बहुत। और मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं जाऊंगा। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी, बाय। हेलो हेलो, चलो अंदर उठा इसको। कड़ी बन रही है घर पे, आओगे? अंदर डाल, अंदर डाल, अंदर रख, पूरा शर्ट खराब है। चल लेके चल इसको भी। पक्का आऊंगा। उठा ले, उठा ले। और मम्मी से बोलिएगा अंदर रख, अंदर। मिर्चियां दिल खोल के डाले। जल्दी कर, मिर्चियों से नहीं डरता मैं। कहाँ जा रही हो सोनू?
तेरा विवान रोएगा तो क्या, आंसू हम पोछेंगे। पक्का इरादा किया था मैंने, फिर भी शनाया के परिवार को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। शनाया, तेरी फैमिली के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक फैमिली मिल गई, पता है? क्या होती है फैमिली, कभी जाना ही नहीं। सुन, जिससे भी तू शादी करेगी ना, उसे कह देना कि सिर्फ तू मिलेगी, तेरी फैमिली पहले से बुक्ड है। पूजा, यू लाइक दिस? नाइस, बट आई थिंक ये सेट के कलर्स में मर्ज हो जाएगा। ट्राई दिस वन, नो? या दिस लुक्स नाइस। शनाया, एक डील करते हैं, तेरी फैमिली है ना? पूजा, ये जरा टाइट नहीं है यहाँ से, try करके तो देख। No, I want to go find something else. Let's go find something, please. Okay. I got it. नई एल्बम के लास्ट सॉन्ग का एक कमाल का आइडिया। एक परिवार जिसमें वॉर्म्थ है, अपनापन है, वो परिवार जो मैंने कभी जिया ही नहीं। कैसा लगा? Bullshit. क्यों? हम लोग यूथ को टारगेट कर रहे हैं, बूढ़ों को नहीं। लेकिन नो, सिर्फ एक गाना अगर नो No. You know what? Actually, बस, I'm tired. I don't want to do another album. इस वाले के बाद, please और नहीं। तुम्हें मिल जाएगी कोई दूसरी backup vocalist, yeah? शना, तुम ही ने कहा था life is beautiful. फिर अब Yeah. Cause life is beautiful, sure. And you know what? I'm bloody hungry. I'm hungry. I'm hungry. Superstar. सुपरस्टार विवान दो ना। क्या यार, बहुत अच्छा तो होता है ये लड़का। बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छा धोता है ये लड़का। इसी को रख ले बर्तन धोने के लिए, 5 साल रखा था आज ही के दिन। तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स, मुंबई में बाढ़ आई थी ना शनाया, तुम्हें पता है मैं और पूजा पहुंच गए थे और कोर्ट का क्लर्क ही नहीं पहुंचा। और याद है फिर जज ने खुद बैठकर पेपर्स टाइप किए थे, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। हां मैन, शनाया कैन यू बिलीव इट, वो जज मैरिज में से ARR खा ही गया। मैरिज का मिराज बना दिया उसने। मेरा आज ही तो बन के रह गई मैरिज, दिखती रही और मिली नहीं। आज मैरिज एनिवर्सरी है, राइट? अच्छा शगुन है। या एक और तोड़ दो। हे यू गाइस, इनफ व्हाट? चंडोला त्यागी।
हेलो। हाँ जी मैडम, ये एरोप्लेन का बुकिंग है ना? हाँ जी सर। मुझे ये बात बताइए, दिल्ली के आगे एक जगह है कसौली। हाँ जी। हैं? आप कहाँ रहती हैं? मैं मुंबई। मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, नहीं? हाँ बहुत बड़ा। हुँ? हाँ बहुत बड़ा है। वो पूरा आ जाता है क्या अपने इलाके में? क्या, कितने साल से रहती हैं? मैं इधर ही पैदा हुई हूँ। क्यों? सॉरी। नहीं माने तो आस पास कोई हिल स्टेशन होंगे ना? अब हिल स्टेशन तो पंचगनी है। अब मैं आपको कसौली के बारे में पूछ रहा हूँ और आप ये पंचाग्नि कहाँ से लेके आ गए? सर लेकिन आप ही ने तो मुझे पूछा था कि आसपास। तो वो कसौली जाने के लिए कितने लगेंगे? कसौली कोई फ्लाइट नहीं जाती है सर। अच्छा और आने के कितने लगेंगे? अरे जब जाती नहीं तो आएगी कैसे? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपका काम है ना एरोप्लेन का बुकिंग करना, मेरा थोड़ी ना है वो। एक मिनट में चेक करके बताती हूँ सर। अभी चेक कहाँ फाड़ूंगा मैं आपके लिए फोन पे। नहीं नहीं मैं फाइंड आउट करती हूँ सर। फाइन क्यों? फाइन हमने क्या गुनाह किया? फाइन क्यों मैडम? सर मैं आपको जांच के बताती हूँ। अच्छा जांच? तब लेडी साइंटिस्ट है क्या? इडियट। जन 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 डोला त्यागी। बहुत कंफ्यूजन है। सो दोस्तों दैट वाज झंडूलाल त्यागी फॉर ऑल ऑफ यू। और अब चलते हैं कॉन्टेस्ट की तरफ। आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है, क्यों हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं रख पाते? मेरे और शनाया के शो के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई टू हैव लंच टुगेदर। आज वो दिखी नहीं। ऑफिस के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि शनाया टेरेस पे है। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा शनाया रो रही है। वो मुझे देखकर वहां से जाने लगी। जब मैंने मार्केटिंग वालों से उसके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने शनाया को एक सेल्फिश बिच कहा। एंड दैट वाज इट, आई लॉस्ट माय कूल। रफा दफा किया नहीं जाए, तुझे जिया भी नहीं जाए, तुझे भुलाया नहीं जाए। वो मिला मिला सा, जुदा जुदा सा, मैं हारा हारा सा, खिला खिला सा, खफा खफा सा, मैं मारा मारा सा, तेरे गम से भरी हो जाना बेहतर था। शनाया अपना शो छोड़कर जाना चाहती है। But she's a star, Arjuna. ऐसे कैसे जाने देंगे मुझे? हाँ साम दाम दंड भेद, you know what I mean? She cannot go. And those guys, they were just doing their job, Vivan. तुमने गलत आइडिया लगा लिया। शनाया इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसको किसी ने कुछ कहा था, बल्कि इसलिए रो रही थी कि she thinks that we were one big family, एक परिवार है हम, और शनाया हमारा साथ छोड़कर जा रही है। You understand? Don't worry, Vivan. हम उसे नहीं जाने देंगे। वो जाए ना जाए, I give a damn. Oh, you love her, man. Whether you give a damn or not, you love her, Vivan. To hell with you. Hey, come on, Vivan. Hi, मैं हूँ आपका सिर्फ आपका सिर्फ सिर्फ आपका विवान शाह। क्या होता है प्यार? प्यार वो होता है जो मुझे हो गया। लेकिन जो मेरे दिल में है वो मेरी जबान पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा पास एक्सपीरियंस मेरे दिमाग से नहीं जाता। इसीलिए ये है मेरा डिनायल मोड। विवान शाह का डिनायल मोड। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन एक नाम तुम्हारा लेकर हम जीते हैं मरते हैं, ये इश्क निभा देना तुम गुजारिश ये करते हैं। जाने मन हो
जाने मन जाने मन हो जाने मन एक नाम तुम्हारा लेकर हम जीते हैं मरते हैं ये इश्क निभा देना तुम गुजारिश ये करते हैं जाने मन हो जाने Those flowers, no? I want some more here, okay? Okay. And you go and cool. check those costumes, yeah? Yeah. What about this bench? That'll have to move from here. Shanaya kaha hai? Wo chali gayi. Shanaya was behaving like a complete stranger. Wo jaanboojhkar mere saath jhagda kar rahi thi. Wo mujhe uksa rahi thi. Bewajah ladai karke mujhe provoke kar rahi thi. Aur ye baat main us waqt samajh nahi paya. शनाया ने कहा कि जब 8 करोड़ का खेल खत्म हो चुका है तो उसके नकली बॉयफ्रेंड होने का नाटक भी अब बंद हो जाना चाहिए ये खेल मैंने शुरू किया था और इसे खत्म करने की हिम्मत है मुझ में मैं बता दूंगी कब ये इश्क इसीलिए तो पल पल बढ़ता है तुमसे ही इस जीवन का हम सारा भरम रखते हैं तुम तोड़ ना देना इसको गुजारिश ये करते हैं जाने मन जाने मन जाने मन मैं गलत थी तुम बहुत अच्छा गाते हो जाने मन जाने Hi, this is 98.3 FM radio. शनाया ने मेरे साथ शो करने से इनकार कर दिया उसका अपना शो भी धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया और फिर एक दिन उसने अपना शो भी करने से इनकार कर दिया विवान मामा आज शाम कुलचे बनाने वाली है ठीक है आ जाऊंगा और आज ही बता देना सब कुछ श्योर एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग हां ओके उसी शाम में पूजा के यहां था कमाल करते हो यार तुम आजकल मैं और पूजा इतना वक्त साथ बिताते हैं थोड़ा प्रोफेशनल बनो जितना शादी से पहले लाइन मारते हुए भी नहीं बिताया होगा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें यार अरे मैं क्या कर सकता हूं अगर वो छोड़ के जा रही है तो यार नहीं कर सकता मैं कुछ भी हां प्लीज कब तक दिस इज अनप्रोफेशनल और मैं इस बात के लिए राजी होने वाला नहीं हूं ये मेरा काम नहीं है और एक ही मैम ये वाला देखिए बार-बार मत करो ये हां ये वाला दिखाना ओके मैम जस्ट अंडरस्टैंड यार देखो यार मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी नहीं करना चाहता
इट्स नॉट इन माय हैंड्स। अब जो करना है कर लो यार, या फिर मुझे निकाल दो। अब वो वाला दिखाना। मैडम हम लोग इसे करवा चौथ लाइट बोलते हैं, चांद ना निकले तो इसे आप देख के। मैं ये लूंगी। मैडम ये चीप और सस्ती लाइट है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं अच्छी लाइट दिखाता हूँ। ये लाइट पूजा के लायक तो नहीं थी, लेकिन पूजा बदल रही थी। मुझे यही चाहिए। देखो 100 बार फोन करोगे क्या तुम लोग, पागल हो गए हो? मेरे पास तुम लोगों की बातों के लिए कोई जवाब नहीं है। Now, come on, यार। सच कहूं, तुम लोगों ने मुझे ग्रांटेड ले लिया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट्स इट। अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा तुम लोगों का, ओके? किसका फोन था? वो शनाया का, जो मामला चल रहा है ना उसको लेकर रेडियो स्टेशन से फोन था। बहुत प्रेशर डाल रहा है क्योंकि वो शनाया आज साइन ऑफ करने वाली है, वो अपना शो नहीं करना चाहती। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? What happened? शनाया चाहती है मैं उसके पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता दूं। और सच क्या है? यही वो जो अपने शो पे इन्वॉल्व करके मैंने शनाया की फैमिली और लोगों के साथ ड्रामा किया। You like her family? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और शनाया? बेचारी, मैंने खामखा उसको उस झमेले में डाल दिया यार। अच्छा चलो, एक कप कॉफी पीते हैं और चलते हैं। पूजा, तुम रहने दो ना यार। विवान, मैं एक लड़की हूँ और लड़की के घर वालों को अच्छी तरह से समझती हूँ। आई हैव टू गो विथ यू, ओके? बिल्कुल करें। और अगर सामने वाला ना करे तो? तो बाजू वाले से करें। बाजू वाला ना करे तो पीछे वाले से करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा। इतना आसान है प्यार को भुला पाना? आसान है नहीं तो बनाओ, रोना आए तो आंसू छिपाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि जिससे प्यार करते हो उसका भी तो सोचो, वो भी तो किसी और से प्यार करता होगा। तुम उसकी आंखों के सामने से नहीं हटोगे तो तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं। और इन सब से भी बात ना बने तो कुरकुरे खाइए। अलग अलग थोड़ा सोना भी है।
मुझे जाना है। हाँ? मुझे जाना है, मुझे कुरकुरे खाने हैं। क्या कुरकुरे? हाँ, क्योंकि अगर मैं आगे से नहीं हटूंगी तो तुम देख नहीं पाओगे। इश्क ते समझो जैसे अखाड़ा कुश्ती वे है, दिल दिए कुश्ती है। जो दिल हारा वो भी जीता, इश्क दिए है, इश्क दिए मस्ती है। इन्हें जब यहां से लेकर गई थी, जहां भी रखना चाहा अच्छा नहीं लगा। हर किसी की अपनी एक जगह होती है और इनकी जगह यहां है और तुम्हारी जगह है कहीं और। पूजा कौन सी पहेलियां बूझ रही हो? वो पहेलियां जो तुम बूझ कर भी बूझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम बहुत बड़े इडियट हो और तुमसे बड़ा इडियट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अच्छा, मेरे सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब दोगे? Do you love me? Now? ओए जिंदगी जैसा एक रेडियो, अलग अलग थोड़ा सुनाती है। वो आया 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 ए लग गया गया फिर गया ओए फिर से चला गया। हां बस 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 सेम 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 यार तेनु अकल नहीं है। वापस 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 यार गया गया फिर गया ओनु जाके बोलना कुमार ठीक से अरे जीजू ओ ब्लडी ट्रांजिस्टर आया? नहीं आया जीजू। तुमने बताया नहीं अभी तक? बता दिया। आया? नहीं जीजू। प्लीज विवान, तुम समझ नहीं रहे हो, पापा ने शाम को पंडित जी को बुलाया है। प्लीज अब ये गेम बंद करो। आया? नहीं आया जीजू। पंडित जी शाम को, पंडित जी तो आके गए। What? दो तारीख निकाली है उन्होंने, 3 महीने बाद की। मैंने कहा मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। आया आया करके गला थक गया। आप बिना दिमाग जी कर दी थी ना ट्रांजिस्टर वाली गल, पूरी दुनिया के चैनल दिखा दिए इंडिया का छड़ के। पापा आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट अ डिश एंटीना मैकेनिक, आई एम एन आरजे। आरजे हो या डीजे हो, मेरा टीवी चला रहा है। प्लीज अब ये सब बंद करो, इनफ इज इनफ। मेरा कंफ्यूजन खत्म हो चुका था। जज के हथौड़े से जो मेरे दिमाग का डैमेज हुआ था वो भी अब ठीक हो चला था। नीचे ससुर जी की फिसलनदार सीढ़ी थी, सामने शनाया थी और मेरे होठों पे एक गाना। प्यार तो हुआ था तुझसे पहली मुलाकात में, बस डूबा डूबा हुआ था, हाँ शनाया मैं अपने आप में। प्यार होके भी प्यार नहीं था जो, कुछ नहीं मेरा डिनायल मोड था वो। बहुत खफा था जिंदगी से, बहुत बिटर था खुदी से। प्यार हुआ फिर भी उसको झुठलाया, मैं तो खुश था फिर भी तुझको रुलवाया। इसलिए तो कहता हूँ मेरी जान,
प्यार करता हूं तुझसे हाँ, बस एक प्रॉब्लम से हूं कांपता, ये डिश एंटीना बदलवा दे अपने बाप का। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? खुशी के आंसू हैं। तुमने अब तक आई लव यू नहीं कहा ना? अभी तो कहा सीढ़ियों पे। आई वांट यू टू प्रॉपर्ली से आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू। बहुत जल्दी बोला। बहुत नहीं, बहुत। कैन आई आस्क यू सीरियस क्वेश्चन? इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? कैसे कहता है शनाया? आई वॉन्टेड टू कम टू यू विदाउट एनी बैगेज। शनाया, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। A relationship needs closure, even after it has ended. जब पूजा ने मुझे डिवोर्स दिया, उसके बाद भी हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कुछ तो बाकी था जो पूरी तरह से आज खत्म हुआ है। जब पूजा ने मुझसे पूछा, Do you love me? And then she asked me, now. मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये सच है कि पूजा ने जब मुझे डिवोर्स दिया और उसके बाद वो वापस मेरी जिंदगी में आ गई, तो हमारा ये रिश्ता उलझ के रह गया। मैं कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज था। जानता था कि तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कहने से डरता था। दोबारा चोट खाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब है हिम्मत। आई लव यू, नेवर लीव मी। नेवर, नेवर। हेलो विवान। झंडू, मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ। फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, स्टेटस में लिखते हो इन अ रिलेशनशिप। झंडू, मैं हूँ यार। हनीमून पे कब जाओगे? झंडू, हनीमून से कब आओगे? झंडू, खाना कौन बनाएगा? झंडू, कपड़ा कौन धोएगा? झंडू, झाड़ू कौन लगाएगा? झंडू, बच्चे कौन पैदा करेगा? ऑन एयर तो नहीं है ना? स्कूल कौन छोड़ेगा? बहुत कंफ्यूजन है। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। रेडियो, रेडियो मन का रेडियो, रेडियो मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा। स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ,
दूसरे गीत गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.